नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू और अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 5 उबले हुए अंडे, और यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को पील करने के बाद ऐसे 2 टुकड़ों में काट लिया है, और अंडे और आलू को मैंने 12 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। आलू और अंडे हमारा अच्छे से बॉईल्ड है, इसे अभी हम रखेंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पर धनिया के पत्ते, और यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। वहाँ पे हम प्याज को फ्राई करेंगे, और प्याज फ्राई और इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे 4 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा लगे तो आप तेल कम कर लीजिएगा। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। प्याज को हम कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। चार से पाँच मिनट मैंने प्याज को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। प्याज को हम निकाल लेंगे, और जो हमने धनिया, टमाटर, काली मिर्च और हरी मिर्च रखे उसके साथ हम मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देंगे। अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 30 सेकेंड के लिए पहले भून लेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे, और डालेंगे हम यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी, डालेंगे हम 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को हम एक बार मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हमारा लो पे है, और जो हमने पेस्ट तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। तो मसाले डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे जार में थोड़ा सा पानी, और डाल देंगे मसाले में। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे, और मसाले को हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। चार से पाँच मिनट हो गए मसाले को हमें भूनते हुए। बहुत ज़्यादा छिटक रहा था इसलिए मैंने पैन को कवर करके मसाले को भून लिया है, और आप देख सकते हो मसाले अच्छे से हमारा भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे हम यहाँ पे आलू। एक बार मिक्स करेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे अंडे। अंडे डालने के बाद हम यहाँ पे 1 कप पानी डालेंगे, और हमें ग्रेवी को ढक के मीडियम फ्लेम में पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको ग्रेवी पसंद हो। अंडे को मैंने इस तरीके से काट लिया है 2 टुकड़ों में। तो अंडे हम डाल देंगे, एक बार हम मिक्स करेंगे, और डालेंगे हम यहाँ पे पानी। तो अंडे आलू को डालने के बाद 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप पानी।
एक बार हम मिक्स करेंगे और पहले ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे। नमक डालेंगे स्वादानुसार। ग्रेवी में जैसे ही बॉईल आ जाए हम पैन को कवर कर देंगे 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 मिनट बाद हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया पत्ते डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और आप देख सकते हो इसमें ग्रेवी कितना है। अगर आपको और ड्राई चाहिए तो आप 1-2 मिनट और इसे मीडियम हाई फ्लेम में पका लीजिएगा। तो अंडे और आलू का हमारा कड़ी तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अंडा कड़ी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और आप देख सकते हो ये सब्जी देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन मानिए रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आलू अंडे कड़ी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो इसे बनाइए खाइए फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।